एक और लाइफ चेंजिंग टिप बता रहा हूँ जिसको करने के बाद आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका डोर होता है, ठीक है, मेन डोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाटएवर इट इज, मेन डोर पे ये मेन डोर है, एक लाइट आपको बाहर लगानी है इधर से और एक लाइट अंदर से लगानी है आपको मेन डोर, ठीक है, दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए, फॉल जो डाउन लाइट होती है ना, डाउन लाइट छोटी बड़ी कुछ नहीं, नहीं सर बहुत मिनिमम 3 वॉट की लगा लीजिए, बस बड़ी की कोई जरूरत नहीं। और उसको ना उसको वार्म लाइट लगानी है, वार्म लाइट लगानी है और वो आपको क्या करना है, पूरी रात जलाइए उसको, ये शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको जला के लगाइए, ये करिएगा आपको विद इन 21-30 डेज के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट होना शुरू, बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, ठीक है, बट लाइट की जो फॉल है वो आपके डोर पे इधर आनी चाहिए, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा जो डाउन लाइट, ठीक है, आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छे रिजल्ट। ये छोटे छोटे टिप्स इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो आसानी से, बिकॉज आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट इनटू द वास्तु, तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है, कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम और देन यू टेल मी, आप अपने आप डायरेक्शन से आपको समझ में आई गई है, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स बताया मैंने आपको जिनसे आपको बेनिफिट होगा। नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। एक मैंने ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दी है क्योंकि वास्तु तो बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 hours ओनली, है ना, इट टेक्स टाइम, बहुत सारी अनटच्ड चीज़ें हैं जो हमने अभी टच ही नहीं कर ली है, इतने आश्चर्य है कि आप जब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है, ऐसा भी होता है, फिर आप अपने घर की चीज़ों को देखना शुरू करते हो, अरे ये तो यहाँ ऐसा है, ये वहाँ ऐसा है, तो आपको समझ में आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना, बट वो हम बाद में कभी करेंगे। नंबर दे सकते हैं आप इनको, कुछ रहेगा तो कुछ भी करेंगे। हाँ यू कैन टेक माई नंबर 98 376 3 4 9 8 4 जो आए थे या एक विजिट के लिए आए थे वो वास्तु विजिट के लोधा वाला है ना सर, लोधा वाला में थी, पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मिला, 15 साल हो गए सर, 16 साल हम लोग भी इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, नेरोल गई है मैं भी सर भूल गया वो सर को ही फोन किया, वास्तु का काम था, इंटीरियर का हम लोग कर दिए थे, फिर सर ने वास्तु का किए थे, फिर अभी कुछ नया लिया है, क्या किया उसने, कुछ चेंजेस करे थे उन्होंने, बेनिफिट्स हुआ था तो फिर सर को वापस बोला, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ सर, डाउट्स कुछ है आपको, दो पूछे छोटे छोटे, दो हमारा जो फ्लैट्स होते हैं आजकल जो फ्लैट सिस्टम में होते हैं उसके अंदर में रूम होते हैं किसी का 2 BHK 3 BHK, सो व्हेन यू आर सीइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस है जैसे नॉर्थ को हमको ओपन रखना है, अगर बेडरूम है या अगर रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ कैबिनेट बना दे तो इज दैट ओके, या शूड सी ओनली द नॉर्थ ऑफ दैट एंटायर प्लॉट। देखिए नॉर्मली तो हमें नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट देखना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट करते हो आप तो वो भी अपने आप में सफिशियंट होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन साथ ही साथ हमें जो